आज जो हम बना रहे हैं रेसिपी वो आलू के स्नैक हैं। दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं हमने, छोटा छोटा करके बॉयल कर लिया ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। अब इन्हें मैश करेंगे। मैश कर लिए हैं, इसमें कोई लम्स बाकी नहीं है, खूब अच्छी तरह इसको मैश करना है। अब हम इसमें मसाला मिलाएंगे। हाफ टी स्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा लिया हुआ भुना हुआ, थोड़ा सा पिंच हमने चाइनीज़ नमक लिया है, और ये सॉल्ट है पिंक हमारे पास, ये हसबे जायका लिया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, इसका टेस्ट कम होता है। ये इसमें शामिल करेंगे हम। हरा धनिया और 5 हरी मिर्च लिए जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। स्पून हमने कुटी हुई मिर्च ली है, हाफ टी स्पून काली मिर्च है पीसी हुई, ओरिगेनो है, टीस्पून अजवाइन है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। अब मिक्स करेंगे हम इसे, इसको करेंगे अब बेसन शामिल करेंगे। इसकी क्वांटिटी कुछ नहीं है, बस हमें एक हार्ड थोड़ी सी डो बनानी है ना, ताकि ये भिल जाए आराम से। पक भी नहीं रहा है, अब हम आगे इसको शेप देना शुरू करेंगे। ये हम इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स बना लेंगे और एक साइज़ की काटेंगे। काटने के बाद हम इसको दो स्ट्रिप्स को लेंगे और ट्विस्ट करेंगे। और एजेस इसके जो हैं हम अच्छी तरह चिपका देंगे दूसरे से ताकि ये टूटेंगे। इसी तरह सारी तैयार कर लेंगे। गर्म हो गया, अब हम इसमें इनको फ्राई करेंगे, स्लो आंच पे फ्राई करेंगे हम इनको। इन्हें हम स्लो आंच पे फ्राई कर रहे हैं क्योंकि हमने बेसन मिक्स करा है, और ये स्लो आंच पे करने से क्रिस्पी बनेंगे, वरना ये नरम रह जाएंगे। माशाल्लाह से ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब हमें निकाल दें।